हेलो, कैसे हो आप सब दोस्तों। मैं हूँ नरेंद्र, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया लैपटॉप अनबॉक्सिंग का लेके आया हूँ। और आज वाला जो लैपटॉप लेके आया हूँ वो लेनोवा का लैपटॉप है। लेनोवा स्लिम 5 लैपटॉप है, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है ये। और मार्केट में इसका बहुत ही अच्छा डिमांड चलता है, क्योंकि स्लिम 5 में उसका अगर कवर देखेंगे तो मेटालिक बॉडी के साथ में आता है। ये बैकलिट कीबोर्ड वगैरह भी मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया मॉडल है। और इसमें हाइब्रिड है, ये जो आपको अब मॉडल आज अनबॉक्सिंग करने के लिए लेके आया हूँ ये हाइब्रिड है। इसमें आपको जो है 1 TB हार्ड डिस्क और 256 GB SSD दोनों मिल जाएगा। और प्राइस रेंज भी बहुत ही बढ़िया है, और इसका पूरा आपको मैं डिटेल बताने वाला हूँ। और इसमें दोस्तों ये हैवी कॉन्फ़िगरेशन है, i5 11th Gen है, तो इसमें आप हैवी एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के वीडियो में बता दूंगा। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक अनबॉक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन पर क्लिक कर देना, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, ये लेनोवा जो है स्लिम 5 का अनबॉक्सिंग का वीडियो आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा दोस्तों लेनोवा लैपटॉप स्लिम 5, जिसका मैं आपको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। और लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है, इसका मैं आपको कॉन्फी डिटेल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए MRP है 85,290 का, मॉडल नंबर है 82FG010BIN 10BIN। ये जो है इसका MTM नंबर आता है, जो कि सारे लेनोवा का जो मॉडल होता है ट्रैक वो MTM से ही होता है। सेम जो इसका सीरीज होता है, और MTM उसका जो है हर मॉडल का एक पर्टिकुलर मॉडल होता है, नंबर होता है। i5 11th Gen 8 GB RAM 1 TB HDD प्लस 256 GB SSD इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड, FHD IPS डिस्प्ले है इसमें, 3 सेल की बैटरी और विंडोज 10 होम के साथ में दिया गया है। इसमें ये देखने वाली बहुत अच्छी बात है कि ये हाइब्रिड है, 1 TB प्लस 256 GB SSD। ज़्यादातर डिमांड लोगों का इसी में रहता है। बैटरी चार्जर देखेंगे तो ये 65 वाट का आता है, काफ़ी बढ़िया चार्जर है। 65 वाट का देखेंगे तो फास्ट चार्जिंग होता है इससे। तो हाइब्रिड का ज़्यादातर डिमांड आ रहा था लोगों का, कि क्योंकि SSD में उनको 512 GB कम लग रहा था, और अगर 1 TB ओनली SSD है तो फिर उनको SSD चाहिए, स्लो है। इसी तरह से लोग मुझे ज़्यादातर पूछ रहे थे कि कोई ऐसा मॉडल हो जिसमें HDD प्लस SSD दोनों हो, ताकि स्पीड भी उनको बढ़िया मिले और उनका जो सेविंग है ज़्यादा, अगर डाटा है तो वो भी उसमें सेव कर सकें। यहाँ पे देखिए स्पीकर जो है ऊपर ही दिया हुआ है, इसमें फिंगरप्रिंट भी दिया हुआ है, और ये 15.6 इंच का है, जिसकी वजह से आपको इसमें फुल कीबोर्ड मेमोरी कीबोर्ड के साथ में ये मिल जाता है। ये डार्क ग्रे कलर में आ रहा है। क्वालिटी डिज़ाइन देखेंगे, लुक कलर जो है काफ़ी बढ़िया है। बैक साइड का ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रहता है, ये है हीट सिंक बाहर आने के लिए, वैसे इसका बैक साइड में भी दिया रहता है जो कि डिस्प्ले के नीचे। तो लुक भी बढ़िया है इसका। कलर इस तरह से है कि जल्दी कलर भी कैसा होता है, सिल्वर और वाइट में। और यहाँ पे पोर्ट देख लीजिए, एक जो है ऑडियो जैक है, टाइप सी है, HDMI है, और एक जो है चार्जर का पोर्ट था लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 2 USB का पोर्ट है, और एक जो है माइक्रो SD कार्ड का पोर्ट दिया गया है। इसमें 2 USB है, और एक जो है टाइप सी दिया हुआ है, HDMI वगैरह भी दिया है इसमें। लुक काफ़ी बढ़िया है। और ये दोस्तों जो मॉडल है ये बैकलिट कीबोर्ड के साथ में आता है। ज़्यादातर लोगों का सवाल रहता है कि कौन से मॉडल पे बैकलिट कीबोर्ड है। अगर जैसे मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की है तो मुझे भी उतना पता नहीं होता है, अगर मैंने अनबॉक्सिंग किया है तो मुझे मालूम रहता है कि इसमें बैकलिट कीबोर्ड है, तो मैं बता पाता हूँ, नहीं तो नहीं बता पाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बैकलिट कीबोर्ड इसमें दिया हुआ है, फंक्शन प्लस स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो ये बैकलिट कीबोर्ड जो होता है ऑन होता है, और लाइट डिम ऑन होता है, फिर लाइट इसकी जो है ज़्यादा बढ़ती है, फिर इसके बाद में फिर से वही सेम करेंगे तो ऑफ़ हो जाती है। तो i5 11th Gen है, तो इसमें दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आता है लाइफ टाइम के लिए, है विंडोज़ लाइफ टाइम के लिए आपको मिल जाता है। 11th Generation में IRIS Xe का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जिसमें आपका 2 GB तक सपोर्टेड मिल जाता है, अगर आपका नॉर्मल एडिटिंग वगैरह है। और इसमें अब यूज़ की बात करेंगे तो इसमें वर्ड एक्सेल है ही, और इसमें आप PDF और कोरल, ऑटोकैड, फोटोशॉप, 3D, इसमें नॉर्मल गेमिंग वगैरह करना, वीडियो एडिटिंग करना, कोडिंग वगैरह करना सब कर सकते हो। इसमें आप यहाँ देखिए ब्लूटूथ भी है, वाईफाई है, आप इसमें हॉटस्पॉट अपने मोबाइल वगैरह का कनेक्ट करके इंटरनेट भी चला सकते हो। और इसमें आपको जो है बैटरी बैकअप कम से कम नहीं तो आपको 4 घंटे के आसपास, 3 से 5 घंटा मान के चलिए, आपको मल्टीटास्किंग में बैटरी बैकअप मिल जाएगा। कंपनी का जो कहना रहता है अप टू 8 आवर्स के आसपास, बट आपको 3 से 5 घंटा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको i5 11th Gen दिख रहा है। तो दोस्तों इसमें आप हैवी यूज़ भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें आपको कोर देखेंगे तो 4 कोर आ रहा है, इसमें 4 कोर है, और L3 कैच जो रहता है 8 MB दिया हुआ है, यानी कि अच्छा है। L3 कैच तो बहुत बढ़िया है,
रैम 8 GB दिया हुआ है। इसमें आपको स्लॉट दिखा देता हूँ कितने स्लॉट में है। तो इसमें 4 GB + 4 GB दो स्लॉट है, दो स्लॉट में 4 GB 4 GB लगा हुआ है। इससे बेनिफिट भी होता है कि आपको रैम का जो स्पीड होता है वो ज़्यादा अच्छा मिलता है। सिर्फ एक ही चीज़ का दिक्कत आती है, अगर आपको रैम और बढ़ाना है तो एक रैम रिमूव करके आपको दूसरा रैम डालना पड़ेगा। तो इसमें मैंने हार्ड डिस्क वगैरह पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों ये मॉडल काफ़ी बढ़िया है। इसकी जो मार्केट में प्राइस आ रही है, इसकी जो प्राइस है ये 62-63 के आसपास में आपको मिल जाएगा ये मॉडल। और इसमें बैकलिट कीबोर्ड है, मेटालिक बॉडी है बैक साइड का, और इसमें MS ऑफिस है, विंडोज 10 है, 8 GB 1 TB 256 GB SSD के साथ में। तो लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है और इसका जो है 1 ईयर वारंटी के साथ में आता है। और दोस्तों अगर ऑफलाइन आप लेंगे तो आपको बैग के साथ में मिलता है, अगर आप ऑनलाइन जाते हो तो आपको वहाँ पे बैग नहीं मिलता है। तो इसीलिए ज़्यादातर ट्राई ऑफलाइन करना चाहिए कि अगर आपको उसी ऑनलाइन के प्राइस में मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो सब मिला के दोस्तों लैपटॉप बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपकी दोस्तों कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करना, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले, उसका बेनिफिट आपको मिल सके। आप वीडियो शेयर भी करना अच्छा लगता है, सब्सक्राइब लेकिन ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।